दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी सीरियल में काम करने के दौरान कई सारे कलाकार अपने को स्टार से प्यार कर बैठते हैं और कुछ सालों तक डेट करने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिनमें से कुछ तो लाइफ टाइम तक अपने पार्टनर का साथ देते हैं तो कुछ प्यार में धोखा खाकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उन्हीं में से कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो अपने प्यार को भुला कर भी अपने एक्स पार्टनर की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ एक्स कपल ऐसे हैं जो अपने प्यार को भुला कर भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आखिरकार वो पार्टनर कौन है और किस वजह से अपने प्यार को भुला कर अपने पार्टनर की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं? आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पार्टनर से मिलवाने वाले हैं, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, रश्मि देसाई और नंदीश संधू। सबसे पहले बात करते हैं रश्मि देसाई और नंदीश संधू की, जिन्होंने उतरन सीरियल में काम करने के दौरान एक दूसरे को डेट किया और साल 2012 में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। पर शादी के कुछ सालों बाद ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए और दोनों का साल 2016 में डिवोर्स हो गया। और प्यार के दर्द को भुलाने के बाद भी आज ये दोनों एक दूसरे के शक्ल नहीं देखते, क्योंकि लड़ाई के दौरान इन दोनों ने जो एक दूसरे को अनाप शनाप और कड़वे बोल बोले हैं, वो भुलाए नहीं भूल पाए हैं, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। नंबर टू, दलजीत कौर और शालिनी भनोट। अब बात करते हैं टीवी जगत की मशहूर जोड़ी दलजीत कौर और शालिनी भनोट की, जो कि एक साथ नच बलिए सीजन 4 में नजर आए थे और तकरीबन डेट करने के एक साल बाद ही इन्होंने साल 2009 में एक दूसरे से शादी कर ली और आज इस शादी से इन्हें एक बेटे का आशीर्वाद मिला था। पर शादी के 6 साल बाद इन दोनों का अचानक से ही डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि शालिनी भनोट की कुछ गंदी आदतें, जैसे वो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और बात बात पर इनके घर वालों को गाली दे दिया करते थे, जिस वजह से आज ये प्यार को भुला कर भी उनकी शक्ल नहीं देखना पसंद करते हैं। नंबर थ्री, काम्या पंजाबी और करण पटेल। अब बात करते हैं काम्या पंजाबी और करण पटेल की जोड़ी के बारे में, जिन्होंने शादी तो नहीं की है पर एक दूसरे से ये दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन अफसोस, इन दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जितनी एक पार्टनर के बीच में होनी चाहिए, जिस वजह से इनका ये रिश्ता टूट गया। तभी तो आज काम्या पंजाबी अपने प्यार को भूल चुकी है और इसके बावजूद करण पटेल की शक्ल देखना पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह यह है कि करण पटेल इनका पहला प्यार थे। नंबर फोर, श्वेता तिवारी और राजा चौधरी। टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर जोड़ियों में से एक जोड़ी है श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट सीरियल दिए हैं और एक फिल्म में होने के दौरान ये दोनों एक दूसरे को डेट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों ने साल 1998 में एक दूसरे से शादी कर ली और आज इस शादी से इन्हें एक बेटी है। और शादी के कुछ टाइम बाद ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह ये है कि राजा चौधरी इन्हें मारा करते थे। तभी तो आज ये अपने प्यार को भुलाकर उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती है। नंबर फाइव, सारा खान और अली मर्चेंट। जी हाँ, सारा खान और अली मर्चेंट भी उन्हीं जोड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने एक टाइम पर एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत की थी और अब प्यार को भूल जाने के बाद भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तभी तो साल 2010 में इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली थी और शादी के कुछ टाइम बाद ही अली मर्चेंट का अफेयर अनम से हो गया था और इस तरह से इन दोनों का रिश्ता टूट गया। पर भले ही आज सारा खान अपने प्यार को भुला चुकी हो, पर प्यार में मिले धोखे को ये आज तक नहीं भुला पाई है, जिस वजह से ये उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती है। नंबर सिक्स, रिम शेख और शहबान आजमी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में रिम शेख और शहबान आजमी का नाम शुमार है, जिन्होंने एक साथ तुझसे है राब्ता सीरियल में पति पत्नी का किरदार निभाया था और लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। और इस शो में काम करने के दौरान शहबान आजमी को रिम शेख से मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने उन्हें अपना बनाने के लिए प्रपोज भी किया था। रिम के फादर ने इस रिश्ते को नामंजूरी देते हुए कहा कि तुम दोनों के बीच में काफी एज डिफरेंस है, जिस वजह से मैं इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं दे सकता हूँ। और ये बात शहबान आजमी को बहुत ही ज्यादा बुरी लग गई और इस वजह से ये आज भी रिम शेख को भुला कर उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं।
तो दोस्तों आपका इस जोड़ी के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।